आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज शर्मा जगदूत न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। लोजपा के सिमर पर रामेश्वर चौरसिया ने सासाराम विधानसभा से किया नामांकन। नीतीश कुमार पर लगाया बड़ा आरोप। देखे सासाराम से मनोज कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के नामांकन अंतिम दिन यानी पहले चरण के चुनाव को लेकर सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां नोखा विधानसभा से भाजपा के 3 बार विधायक रहे चौरसिया ने लोजपा के सिंबल पर अपना नामांकन कराया, जहां नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि असली एनडीए गठबंधन में तो लोक जनशक्ति पार्टी है जो फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी के मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो रामेश्वर चौरसिया क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। स्वाभिमान के लिए मैं लोजपा से टिकट लिया, क्योंकि हमारा भी नारा है बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, और नरेंद्र मोदी जी का नारा है विकास, सबका साथ सबका विकास। ये सोचा कि भाई जब जनता में और कार्यकर्ता में मैसेज है कि लोजपा भाजपा एक ही है, पार्टी का गठबंधन जो भी हो, तब मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। और लोग कहते हैं मोदी जी का नाम, अरे भैया मोदी जी का नाम तो पूरा विश्व ले रहा है, वो तो देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के थोड़ी मोदी जी है। तो आप भी मोदी जी की बड़ाई करो, हम भी करें। अगर मोदी जी की योजनाओं को सासाराम में लागू किया होता, पता नहीं ये 30 साल से 35 साल से यहाँ विधायक है, ऐसे कचरा इतना गंदा शहर तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं तो पूरी दुनिया में घूमता हूँ, पूरे देश में घूमता हूँ। अब नोखा में चले जाइए, बगल में जब से मैं विधायक बना नोखा नासरीगंज और राजपुर में देखिए पीसीसी सड़कें हैं। 20 साल पहले 3 इंच जो सड़कें बनाई थी आज भी साफ सुथरी है। और यहाँ रोज पैसे आते हैं, रोज भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। आज सासाराम कीचड़ का कीचड़ है। सासाराम के उद्धार के लिए, यहाँ के जिला हेडक्वार्टर के उद्धार के लिए, ये देख करके मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं कि शेर शाह सूरी की नगरी आज से 500 साल पहले उस व्यक्ति ने 6 साल में पूरे हिंदुस्तान की फिजा बदल दिया। आज नौटंकी करते हैं कि 15 साल दिए और हमें दीजिए काम पर, कौन सा आपका काम दिख रहा है? पूरे 7 हिस्से में भ्रष्टाचार दिख रहा है। गांव गांव दारू खुलवाए, बाद में दारू बंद कर दिया, अब घर घर में दारू भेजवा रहे हैं, आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जब दारू बंद है तो दारू बिहार में मिलती कौन है, इसके लिए कौन जिम्मेवार? तो इन सब ढकोसलापन के लिए हम लोग जुटे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लोजपा जदयू से तो बड़ी पार्टी, चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है वो तो सारी पार्टियां करेंगे, कैसे एक पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी के आदमी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री का नाम तो विश्व लेता है, वो किसी पार्टी के नहीं होते। हाँ, जब चुनाव प्रचार होती है, जहां तक पोस्टर इसकी बात करते हैं, तो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार होगा। देखो भाई, हमें तो लगता है कि हारे थके हुए सीएम है, अब उनका बॉडी लैंग्वेज ही काम करने वाला नहीं है। 3 साल में जो नहीं कर पाए अब दुहाई दे रहे हैं, और जनता में उनकी साख बिल्कुल गिर चुकी है। क्योंकि आज देखिए भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप किसी ऑफिस में चले जाइए, भ्रष्टाचार पहले भी था, जब मैं 2000 में जीता था तो हमारे यहाँ एक सीओ थी, तो वो 100 रुपया फैसिलिटी थी दाखिल खारज में। मैंने बोला क्यों गरीबों से पैसा लेते हो, किसानों से? उसने बंद कर दिया, उसका अधिकारी लेता था पब्लिकली लगा करके, क्या जनता दरबार में करता है। आज चले जाइए दाखिल खारज में, सुन हम तो सुनते 5-5 हजार लगता है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उनको समझ में नहीं आ रहा है? गाँव गाँव में दारू बिछा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री, नाटक किए हुए कि हमने दारू बंद कर दिया? अरे देश के खजाने, बिहार के खजाने को आपने लुटा दिया, ब्लैक मार्केटियर कर दिया, माफिया को आपने पोस्ट लिया। अब कौन माफिया, कौन दारू बेचता है? सबसे पहले दारू में कौन पकड़ा गया था? जेडीयू का जिला अध्यक्ष, उनके गृह क्षेत्र का, क्या उस पर कार्रवाई हुई? इनके नौटंकी के चलते हम लोगों को ये मजबूरन आना पड़ा है, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता मान चुकी है कि बीजेपी और एलजेपी एक ही है। तो ताजा खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ जगदूत न्यूज पर।